हमारे ग्रुप के किंग ऑफ शायरी कौन है? बिमल जी है। तो बिमल जी से इंस्पायर होकर आज मैंने कुछ शेरो शायरी करने की गुस्ताखी की है, यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कृपया माइंड मत कीजिएगा। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ताकि यदि मेरी शेरो शायरी आपको पसंद आए तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन या क्लैपिंग मेरा उत्साह बढ़ा सकती है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सभी आप। तो आज जिस शायर के शेर में आपके साथ सुनाने जा रहा हूं, उनका नाम है राहत इंदौरी। आप सबने नाम सुना होगा, राहत इंदौरी साहब। मैं उनके कुछ शेर आपको सुनाने जा रहा हूं, और ये महज एक इत्तेफाक है कि राहत इंदौरी साहब इंदौर के थे और मैं भी इंदौर को बिलोंग करता हूं। और राहत इंदौरी साहब इंदौर विश्वविद्यालय में कुछ समय उर्दू साहित्य के प्रोफेसर भी रह चुके थे। तो उनका पहला शेर मैं अर्ज करता हूं। इरशाद, थैंक यू। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। मोहब्बतों का शायर, इंसानियत का शायर, शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले साल अगस्त में लॉकडाउन के टाइम उनका इंतकाल हो गया था और हमारे बीच नहीं रहे। ना ही कोई उम्मीद रही है कि फिर वही तेवर उसी जवामर्दी से कोई शेर पड़ेगा जो तलवार की तरह हमारा कलेजा काट कर रख देगा। ये सिर्फ राहत इंदौरी साहब ही कर सकते थे। राहत साहब का अंदाज कुछ ऐसा था कि शेरों को शख्सियत मिल जाती थी, वो कोरे लफ्ज नहीं रह जाते थे, उनमें जान आ जाती थी। एक शेर में उनका अर्ज करता हूं। अगर खफा है तो रहने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जातीय मकान थोड़ी है, और लगेगी आग तो घर आएंगे कई जद्दे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, थोड़ी है। क्या बात है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया, थैंक यू, थैंक यू रेजा जी। आज पूरा देश नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है। नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, और राहत साहब ने नेपोटिज्म के बारे में जो लिखा था, एक शेर मुझे याद आ रहा है। मैं पत्थरों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली मिट्टी लेकर फरहाद हो गए। ये सिर्फ राहत साहब ही लिख सकते थे इतने बेबाक होकर। जितने ज्यादातर शेर हैं राहत साहब के, वो या तो मुशायरे में पढ़े गए या सुनाए गए, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन उनके कुछ शेर हैं जिन्हें मैं कहूंगा कि 24 कैरेट गोल्ड शेर, जो किताबों में रह गए, तो वो मैं कुछ ढूंढ कर आपके लिए लाया हूं, और उसमें से एक शेर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं। धूप बहुत है, मौसम जल थल भेजो ना, बाबा मेरे नाम का बादल भेजो ना, नन्ही मुन्नी सी चहकारे कहाँ गई, मोरों के पैरों की पायल भेजो ना, मैं बस्ती में आकर किससे बात करूं, मेरे जैसा कोई पागल भेजो ना। क्या बात, क्या बात, थैंक यू। माफ कीजिएगा राहत साहब, आपने गलत शेर लिख दिया है। आपके जैसा कोई दूसरा पागल भेजने के लिए कुदरत को एक पैर पर खड़े होकर सदियों तपस्या करनी पड़ेगी, तभी वो राहत इंदौरी जैसा कोई दूसरा शख्स इस दुनिया पर भेज सकता है। वो आग इतनी मामूली थोड़ी है जिसको लेकर आप पैदा हुए थे, कितने ज्वालामुखी फटे होंगे तब आपके जैसा एक दिल पैदा हुआ होगा। एक अगला शेर सुनिए राहत साहब का। पेशानियों पर लिखे मुकद्दर नहीं मिले, दस्तार क्या मिले
जहां सर नहीं मिले, दस्तार मीन्स पगड़ी, दस्तार नहीं, दस्तार क्या मिले जहां सर नहीं मिले, मैं चाहता था खुद से मुलाकात हो मगर आईने मेरे कद के बराबर नहीं मिले। क्या बात, क्या बात। राहत साहब का कद इसलिए भी बड़ा था क्योंकि वे अपनी शायरी पर नाज करते थे, पर उन्हें अपनी शायरी पर गुरूर कभी नहीं था। उनका सर उस परमात्मा के लिए झुकता था जो उन्हें शब्दों के तोहफे भेजा करता था। वे कहते थे, समुंदरों के मुआफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। ये जाके मील के पत्थर पर लिख आए कोई, वो हम नहीं है जिन्हें रास्ता चलाता है। हम अपने बूढ़े चरागों पर खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। ईश्वर की इतनी अच्छी तारीफ मुझे नहीं लगता कि कोई और शायर कर सकता है जो राहत इंदौरी साहब ने शेर में करी है। अगला शेर सुनिए। मेरे हुजरे में, हुजरे में छोटा सा मकान, छोटी सी कुटिया, मेरे हुजरे में और कहीं रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढते जाओगे हमारे कातिल, आप तो कातिल का इल्जाम हमीद हमारे सर पर रख दो। उसने कुछ ताक पर टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी वहीं पर रख दो। राज साहब के बारे में मैं अंत में यही कहूंगा कि जब आसमानों को रोशनी की जरूरत पड़ी तो उन्हें जमीन से वो सितारा उधार लेना पड़ा जिसका नाम राहत इंदौरी है। तो ये थी मेरी राहत इंदौरी साहब के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में छोटा सा प्रयास। आशा है कि आपको पसंद आएगा। मैं माफी चाहता हूँ यदि मैंने समय ज्यादा ले लिया है, लेकिन आधा मिनट और लूंगा मैं अभी आपका। आज मदर्स डे भी है और मैं मदर्स डे पे कुछ लाइनें अपने मदर के लिए और सभी की मदर्स के लिए कहना चाहता हूँ। लोग तारीफ करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब कुछ है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया, कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, तूने सिखा दिया। थैंक यू। क्या बात, बहुत अच्छे राकेश, ब्यूटीफुल। थैंक यू, बहुत अच्छा राकेश जी। मैं आई ऑलवेज से राकेश जी की द क्वालिटी ऑफ हिज वॉइस इज वेरी गुड, हिज टेक्सचर ऑफ वॉइस इज रियली वेरी गुड। तो मैं बहुत बोलता हूँ इनको काफी कि पोएट्री इनको बहुत अच्छी लगती है, मतलब इट सूट्स। कभी गुलजार की या इन्होंने हरिवंश राय बच्चन की भी पोएट्री पीछे करी थी, बुल्ले शाह की पोएट्री करी इन्होंने, तो आई थोरली एंजॉयड। आज राहत इंदौरी साहब की मजा आ गया। थैंक यू राकेश जी। थैंक यू राजेश, थैंक यू। शिवानी जी राकेश जी, राहत इंदौरी जो है वन ऑफ माय फेवरेट पोएट्स, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट ही रोट, बट उनका जो बोलने का और शेर कहने का जो अंदाज था, मतलब यू कुड नॉट बी अनटच्ड बाय इट। मतलब अगर आपको शेर व शायरी का शौक नहीं भी है तो राहत जी को सुनकर आपको शौक हो जाएगा। वो एकदम दिल से, अपने सोल से बोलते थे और खूब जोश और गर्मी के साथ बोलते थे। सो बहुत ही अच्छा लगा उनका सुनकर, बहुत ही। थैंक यू, थैंक यू शिवानी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो शायर हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कविता और शायरी के परचम गाड़ दिए या उसको इतना पॉपुलर कर दिया। हिंदी में ये काम किया था हरिवंश राय बच्चन साहब ने और उर्दू में ये काम किया राहत इंदौरी साहब ने। विमल जी जी, हाँ जनाब, क्या कहते हैं राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विमल जी। मैं अक्सर बहुत मेहनत और कोशिश करता हूँ कि मैं डिफिकल्ट शायरी अपने ग्रुप में ना सुनाऊं, और मैं इसीलिए कई बार राहत साहब को अवॉइड करता था। आज राकेश जी ने मेरी हिम्मत बंधा दी
बहुत हिम्मत बंधा दी, और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और चार लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगा कि सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा। क्या बात है, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा, मैं इंतजार में हूं तू कोई सवाल तो कर, मैं इंतजार में हूं तू कोई सवाल तो कर, यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूं। क्या बात, बहुत को बहुत को क्या मतलब, ऐसा कमाल का शायर, मेरा फेवरेट। जिस दिन वो गया इस दुनिया से भाई अब ऐसा लगा मेरा कोई अपना चला गया, मेरा मतलब बहुत ही पसंद पसंद वाला शायर था और मेरे बिल्कुल दिल के करीब था। और आपने ये राहत साहब को जो श्रद्धांजलि दी है, मेरा आपने दिल इतना बड़ा कर दिया है, मैं आप रात को राहत का कोई ना कोई शेर रोज जरूर सुनाया करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल जी। ओके मीनू। Yeah, no, Rakesh ji, you made my day. He's one of my favorite poets too. So, किसी को भी शेरो शायरी का शौक है तो वो तो हो नहीं सकता कि is untouched by Rahat Indori's शायरी. और जैसे कि राजेश जी बोल रहे थे, आपकी आवाज is very sharp. So, you know, it वो शायरी के लिए वो बहुत ही suited था. तो you made our day actually. मेरा तो बना दिया. Thank you. So, Kavita, you want to recommend Rakesh ji somewhere? Last time sir kara tha sach mein waqai mein. Inhone Gulzar sunaya, maine wo copy kar liya. Ab Rakesh Indori ki. नहीं राकेश जी, मैंने मुझे ना जब शुरू में सुन रहे थे, शायरियों से रूबरू हो रहे थे, तब एक दफा जो सबसे पहले मैंने इनका लाइन सुना था वो वही था। वो स्टेज पर खड़े हुए थे और बड़ा जोर से बोल रहे थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये मैं मेरे हस्बैंड के साथ देख रही थी और वो बड़ा खुश हो के एंजॉय कर रहे थे। मैंने बोला ये किस तरीके का है, और उसके बाद से मैंने इनको और सुनना शुरू करा राहत इंदौरी को। एंड लाइक एवरीवन इज सेइंग ही इज लाइक वन ऑफ द फेवरेट, मतलब जिन्होंने ना, जिन्हें वाकई में जैसे शिवानी ने कहा कि जिन्हें शायरी नहीं भी पसंद होगी ना, वो भी दे विल ऑल्सो फॉल इन लव विद द शायरी। तो ये उसी तरीके के कुछ शायर थे। और थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट राकेश फॉर द चॉइस ऑफ द पोएम्स, and fully I could not understand, but even though it was reaching directly to me, mainly because of the way you were reciting the poem, that your stentorian voice was adding more to that. Would like to appreciate you once again for your selection of the poems and the selection of the words whenever you are talking. Very nice. Thank you Shari. Raheja ji, Akesh ji, पहले भी आपने शायरी करी है, पोएम करी है, और दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट। अरे बहुत अच्छा लगा कि आप शायरी के अंदर और पोएट्री के अंदर भी एक्सपर्ट हैं इंस्टेड ऑफ सॉन्ग। सॉन्ग के अंदर भी आप परफेक्ट हो गए और शायरी भी आपकी परफेक्ट होती होती जा रही है। यू आर परफेक्ट इन बोथ। थैंक यू रजत जी, मैं मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। परफेक्ट नहीं हूँ मैं, बिमल जी से इंस्पायर हुआ हूँ बस, यही कहूँगा। नहीं नहीं नहीं, आज तो ऐसा लग रहा था कि यू आर परफेक्ट। राजेश जी, थैंक यू। त्रिपाठी जी, राकेश जी, एक्चुअली जो राकेश जी सुना रहे थे था तो वो इंदौरी जी का, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का मेथड राकेश जी का है, और जो रियली जो क्लियर वॉइस और प्रेजेंटेशन है, वो इस जो शायरी को शायद और अच्छा और खूबसूरत बना दिया। यहाँ पे मैंने सुना है इंदौरी जी को पिछले टेलीविजन पे कई बार, कई प्रोग्राम में, तो जो उनका सुनाने का ढंग था और इस समय राकेश जी का जो मेथड, वो लगभग सिमिलर था, और बिकॉज ऑफ वो मेथड की वजह से शायद ये और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा बढ़िया हमें लगा। थैंक यू राकेश जी की एक हमने एक इंदौरी जी को सुनने का मौका मिला आपके थ्रू। अब शायद लाइव तो कभी उनको नहीं मिल पाएगा, लेकिन वही पुराने रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने लाइव सुनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश।